सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश होता है वो सराखों पे वो हम लोग सबको मानना पड़ता है। आज का जो हम लोगों का रियलिटी है, हम लोगों के देश का, वो देख के एक औरत को मेंटेनेंस देना इसका जरूरत है। शरीयत का जो लॉ है वो अगर फर्स्ट टू लास्ट तक आप वो इम्प्लीमेंट होता है तो फिर आपको शायद जरूरत नहीं पड़ेगा मेंटेनेंस का। मैं एक भारतीय नागरिक हूं और एक भारतीय नागरिक के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश होता है वो सराखों पे वो हम लोग सबको मानना पड़ता है। इसके बाद जो चीज आप मुझे पूछ रहे हो, क्योंकि मैं एक भारतीय मुसलमान औरत हूं तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूं कि हम लोगों का जो शरीयत है उसमें बोलते हैं कि एक लड़की को, एक औरत का जब शादी होता है तो देन मोहर, जो हम लोग डाउरी सिस्टम है, जो पन प्रथा है, वो एक्चुअली इस्लाम में है नहीं। तो एक औरत का जब शादी होता है उसका फैमिली को, उसका माँ बाप को कुछ देना नहीं पड़ता है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, शरीयत लॉज। तो और वो जब तलाक होता है तब वो दिन मोहर उसको मिलता है। अगर तलाक नहीं भी होगा उसको सारा जिंदगी में उसका हस्बैंड से वो दिन मोहर उसका हक है, उसको मिलता है। और उसके बाद जो तलाक हो जाने के बाद 3 महीना जो पीरियड है वो 3 महीना उनको मेंटेनेंस मिलता है। उसके बाद द मैन एंड द वोमन बोथ आर फ्री, उन लोग दोनों, वो औरत भी फिर से शादी करके संसार कर सकती है। अब इसमें आ गया है कि एक है धर्म, एक है कल्चर, पर हम लोगों का देश का जो कल्चर है, जो हम लोग देखे हैं कि औरत लोगों को एक, हम लोगों में ज्यादातर अभी आप गांव में देखो कि जितना हम लोग जितना भी प्रगति के रास्ते में जा रहे हैं, फिर भी औरत लोगों का एक इकोनॉमिक डिपेंडेंस उसके हस्बैंड के ऊपर आ ही जाता है। तो इसीलिए जब एक राय होता है तो वो सिर्फ एक रिलीजन बेसिस में नहीं हो सकता है, वो सोसाइटी के बेसिस में होता है कि रियलिटी आज के दिन में क्या है, क्या औरत सक्षम है खुद को चलाने के लिए। हम बंगाल में रहते हैं, बंगाल की औरत है, हम लोगों को यहाँ पे अभी बहुत सारे स्कीम्स आए हैं जैसे कन्याश्री स्कीम्स, जिसमें 18 साल तक आपको एक औरत को पढ़ाने के लिए फैमिली को पैसा दिया जाता है, उसका एजुकेशन फ्री हो जाता है, उसको फिर गवर्नमेंट से ही 25 साल के बाद 1000 रुपया करके, और अगर आप SC में हो तो 1200 रुपया उसको एक फाइनेंशियल एड दिया जाता है। क्योंकि एक औरत के हिसाब से हम सिर्फ यही बोलेंगे कि एक ना एक दिन हम लोगों को औरत को वहां पहुंच जाना चाहिए कि अगर मेरा तलाक हो गया तो मुझे तकलीफ दिल में हुआ लेकिन कल से पैसा कहां से आएगा ये नहीं सोचना चाहिए। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को ही वो हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा कि हम लोग औरत लोग पढ़ाई करके मर्द से मेंटेनेंस लेने का जरूरत नहीं है, कि मर्द जितना कमाता है मैं भी उतना कमाती हूं, तो अगर शादी टूट गया तो तकलीफ दिल में हो रहा है पैसों के नहीं। लेकिन जब तक वो चीज नहीं हो रहा है हम लोगों के सोसाइटी में, जब तक हम, तो आप जो रियलिटी है आप ये नहीं बोल सकते कि कोई भी मुस्लिम लड़का आज के दिन में पन नहीं मांग रहा है, डाउरी नहीं मांग रहा है, हम है बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो शरीयत के लॉ से तो उसको पैसा नहीं मांगना चाहिए। तो आज का जो हम लोगों का रियलिटी है, हम लोगों के देश का, वो देख के एक औरत को मेंटेनेंस देना इसका जरूरत है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये चीज लिए है। लेकिन अगर आप शरीयत का लॉ फुल्ली फॉलो करोगे तो आपको वो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। शरीयत के लॉ के आप भी मानते हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी, शरीयत का लॉ ही इनफ था? मैं आपको अभी बताई कि शरीयत का जो लॉ है वो अगर फर्स्ट टू लास्ट तक आप वो इम्प्लीमेंट होता है तो फिर आपको शायद जरूरत नहीं पड़ेगा मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस का बात ही नहीं आता है। लेकिन आज हम लोग के देश के औरतों का जो जरूरत है वो देख के सुप्रीम कोर्ट, माननीय कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है वो हम लोग सबको ही मानेंगे।